बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, ये हम MHI 8 के हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इन इंडिया, भारत में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का इतिहास का हिस्सा है, इस टॉपिक को हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले बायोडायवर्सिटी है क्या, फिर हम देखेंगे इसका आखिरकार, जब ये टॉपिक एनवायरनमेंट से है और इतना डिटेल में इस वीडियो में हम बायोडायवर्सिटी को समझेंगे, जैव विविधता को समझेंगे, तो इसका इंपॉर्टेंस इतिहास में क्या है, हिस्ट्री में कैसे और क्या है। तो देखिए, सबसे पहले बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी दो शब्दों से बना है, पहला बायोलॉजिकल, दूसरा डायवर्सिटी। बायोलॉजिकल का मतलब हो गया जैव या जीवन कह लीजिए, और डायवर्सिटी विविधता। विविधता का मतलब क्या हो गया, कई चीजें जो मतलब जो है हेट्रोजेनियस हो, मतलब जो है एक बहुत सारी चीजों का जो है समन्वय जो है एक सिंगल चीज में कर दिया जाए, सिंगल वो में देखा जाए, तो उसको हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए पूरा नेचुरल अर्थ, ठीक है, जैसे पृथ्वी को आप देखिए, एकदम पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखिए तो पृथ्वी सब कुछ अपने अंदर रखी है, पानी, नेचर का हर चीज, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, हर चीज उसमें आपको दिखाई देगा, जैसे जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, फूल पत्ती हैं, तो ये सब चीजें बायोडायवर्सिटी में आती हैं। तो बायोडायवर्सिटी में दोनों चीज आता है, प्लांट भी, एनिमल भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स भी, मतलब बैक्टीरिया, कीटाणु, अणु, ये सब चीजें जो है, जो भी लिविंग थिंग के पार्ट्स हैं, इन सब को मिला के जो विविधता बनती है, इन सब के कॉम्बिनेशन से जो डाइवर्सिफिकेशन सो होता है, उसी को हम एक तरह से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कह रहे हैं। और इंडियन लैंडस्केप में, भारत में जो बायोडायवर्सिटी है, भारत में जैव विविधता जो है, वो क्यों अन्य जगहों से ज्यादा है, और क्यों जब हम भारत के इतिहास पढ़ते हैं और जब हम भारत को समझने की कोशिश करते हैं, तो क्यों हम यहाँ डायवर्सिटी एक अलग टॉपिक रख रहे हैं, क्यों हम जैव विविधता को अलग रख रहे हैं, क्योंकि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इन अ सेंस कि देखिए हमारे पास हिमालयन माउंटेन्स है जो है, साउथ के साइड में इंडियन पेनिनसुलर इंडिया है, साउथ है, इंडियन ओशियन है, फिर उसके बाद आप वेस्टर्न घाट्स हैं, प्लेट्यू एरिया है, और जो है ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है जहाँ पूरा जो है हिमालयाज माउंटेन, छोटा नागपुर प्लेट्यू, और फिर आप वेस्टर्न साइड में आएंगे तो राजस्थान में जो है रेगिस्तान है, ठीक है, डेजर्ट्स हैं, तो ये सब चीज़ें इंडिया में आपको देखने को मिलती है। तो इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स लैंड है, तो इसलिए इंडियन लैंडस्केप, भारत का भूदृश्य, और फिर एक्सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे और समझेंगे। ओके गाइस, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अब आप डेली बाइट्स की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के लिए आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट कैसे करना है, वीडियोस कैसे मिलेंगे, कितने वीडियोस मिलेंगे, क्या टर्म्स कंडीशन है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को देखने के बाद आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे जहां पर जाके आप मेंबरशिप ले सकते हैं। डेली बाइट्स को क्यों सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, यूनिवर्सिटी एडमिशंस, हिस्ट्री लेक्चर्स, इग्नू अपडेट्स, बुक रिव्यूज, न्यूज एंड अपडेट्स एंड सेवरल अदर स्टफ्स आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और जो भी बच्चे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, डेली बाइट्स चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट खोलें MHI हिस्ट्री इग्नू का, उसमें और बहुत सारे लेक्चर्स डाल दिए गए और आप उनको लेक्चर्स को देख सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक चीज, इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जब MHI 8 का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, जिसमें मैं ये समझाता हूं कि सिलेबस क्या होगा, क्वेश्चन पेपर क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना हिस्सा पढ़ लें तो एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, तो उसमें जो इस वीडियो में जो कमेंट्स आ रहे थे, और इस वीडियो में बहुत से स्टूडेंट्स डिसलाइक भी कर रहे थे काफी, उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वीडियो खोलते ही, जब आप ये वीडियो ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि मैं नदियों को दिखा रहा हूँ, पहाड़ों को दिखा रहा हूँ, गंगा को दिखा रहा हूँ, बनारस को दिखा रहा हूँ, भगवान का दृश्य दिखा रहा हूँ, लेकिन बहुत लोग समझ नहीं पा रहे थे। देखिए आप मतलब ये बहुत ही बचकानी हरकत है कि आप इस बात को समझ नहीं पाइए। देखिए वो सब भी तो एक इतिहास का हिस्सा है ना, इस सब्जेक्ट की सबसे खास बात ये है, इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको वो दिखाने की कोशिश की ताकि आप इन्वायरमेंट को समझ सकें, ताकि आपको लगे आपका दिमाग का जो सेटअप है इतिहास पढ़ने से सब पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, मुगल डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, बाबर, फिर फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, ये सब चीजें हमारे दिमाग में आती है। लेकिन नहीं, जैसे ही आप इसको पढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने उस वीडियो में ये सब चीजें दिखाई हैं ताकि आपका तुरंत माइंडसेट चेंज हो सके और आपको समझ में आए कि इस टॉपिक में हमें कवर क्या करना है। ओके, तो कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट इज बायोडायवर्सिटी? एज आई सेड, बायोडायवर्सिटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बायोलॉजी एंड डायवर्सिटी, जीवन की विविधता
और परिवर्तनशीलता के संदर्भ को हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे या समझेंगे। तो देखिए, बायोडायवर्सिटी, जेनेटिक स्पीसीज, इकोसिस्टम, अलग अलग लैंडफॉर्म्स के कारण, अलग अलग क्लाइमेटिक चेंज के कारण, इसमें अलग अलग समय के साथ बदलाव आते रहता है। तो जो बायोडायवर्सिटी है, बेसिकली वो किन किन चीजों से कंसिस्ट ऑफ होता है, किन किन चीजों से बायोडायवर्सिटी जैव विविधता बनती है। एक तो प्लांट्स, पेड़ पौधे, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सारे इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस सब मिला के एक तरह से बायोडायवर्सिटी बनते हैं। तो वही जो एक रिश्ता है प्लांट और एनिमल के बीच में, ठीक है, पेड़ पौधे और जानवरों के बीच में और तमाम और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उसी विविधता को, उसी डायवर्सिटी को हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। अब देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए भारत एक जेनेटिक स्पीसीज इकोसिस्टम डायवर्सिटी का एक बहुत बड़ा लैंडफॉर्म है, एक बहुत बड़ा भारत का जो है भूभाग है वो बहुत बड़ा है, भूदृश्य जो भारत का है वो बहुत बड़ा है, जिसमें कई नदियां हैं, समुद्र से हमारा जुड़ाव है और पहाड़ है, हिमालयन माउंटेन्स है, राजस्थान के थार डेजर्ट है, रेगिस्तान है, मरुस्थल है, तो सब चीज भारत में आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए जो भारत की डाइवर्सिटी है ना वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन लेकिन इस टॉपिक में एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हम समय के साथ चर्चा करेंगे कि किस तरह ये डायवर्सिटी जो पृथ्वी को जीवन देती है, जो पृथ्वी का जीवन है, जो पृथ्वी को खूबसूरत बनाती है, वो किस तरह ह्यूमन पॉल्यूशन के कारण डिप्लीट होने लगा, किस तरह इंसान के हस्तक्षेप के कारण उसका डिस्ट्रक्शन होने लगा, किस तरह मनुष्य ने मिनरल्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया, खनिज का जो है हमने जरूरत से ज्यादा उसे खोद के निकाला। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि बायोडायवर्सिटी जो होती है, जो जैव विविधता है, उसका एक नेचुरल एक्सप्लॉयटेशन तो होता ही है। नेचुरल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये हो गया कि समय के साथ उसका, जैसे इंसान की मृत्यु होती है समय के साथ, तो वैसे ही जो बायोडायवर्सिटी है, जो जो जैव विविधता है एक पर्टिकुलर एरिया में, वो स्वयं से भी खत्म होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंसान नहीं खत्म कर रहा है उसको, आप नहीं खत्म करेंगे तो भी वो खत्म होगा। लेकिन कोई चीज अगर मान लीजिए 10 के स्पीड से चल रही है, खत्म, मान लीजिए किसी चीज को खत्म होना है और 10 की स्पीड से चल रही है, तो हम इंसानों ने क्या किया है, उसको 100 से स्पीड पे पहुंचा दिया है, और आने वाले समय में जो रफ्तार चल रही है उससे हम लोग 1000 के स्पीड पर पहुंचा देंगे। तो समझ रहे हैं, कोई चीज जो है, कोई चीज जो है, मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो प्रेजेंट में 100 किलोमीटर की आवर की स्पीड से हो गया है, और आने वाले समय में अगले 100 साल में 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो जाएगा। तो क्या चीज हो जाएगा, जो शोषण है उसका, ठीक है, जो मानवीय हस्तक्षेप है उसमें, जो जो मनुष्य जो है जो नजरअंदाज किया हुआ है पर्यावरण को, मनुष्य जो नजरअंदाज कर रहा है बायोडायवर्सिटी को, वो चीज जो है खत्म होने लगेगी। बायोडायवर्सिटी खत्म कैसे होगी, जैसे मान लीजिए मौसम में परिवर्तन आने लगे, जीवन के विभिन्न जो स्वरूप हैं उसका जो है उसका जो है आदान प्रदान का जो क्रिया है वो जो है बदलने लगे। और जैसा कि आप सब आज देख भी पा रहे होंगे कि क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, हर जगह कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, पेड़ पौधे हैं उसको जो है काटे जा रहे हैं, जंगल से काटे जा रहे हैं, नए प्लांट्स लगाए नहीं जा रहे हैं। इनफैक्ट ये हालत है कि डेलिबरेट एक्सप्लॉयटेशन है, जानबूझ के कई जगह जो एक्सप्लॉयटेशन है, और ये हालत है कि जो एक्सप्लॉयटेशन है उसके कारण जो है आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह की बीमारियां, जो समुद्र के किनारे कोरल रीफ्स हैं, कोरल रीफ्स अच्छे खासे लोग स्पीसीज को लाइफ देते हैं, वो पूरा खत्म होते जा रहे हैं। तो ये जैव विविधता का शोषण जो है, जो उसका एक्सप्लॉयटेशन है, इनफैक्ट ये हालत है। जो मिनरल्स हैं उनका जो खनिज है, देखिए खनिज भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ले नहीं सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा इतना नहीं लेना है कि उस पर्टिकुलर एरिया का लैंडस्केप ही डिस्टर्ब हो जाए। जो वहां का भूदृश्य है, जो भारत का भूदृश्य है, आप इतना नहीं शोषण करेंगे कि वो उसका भूदृश्य ही बदल जाए, सिर्फ उसमें से उतना ही लीजिए कि वो वापस रिप्लेनेट हो सके, जहां से मतलब जैसे उसका जो आने की जो शैली है, जो जिस तरह उसका निर्माण होता है, वो वापस निर्माण होके उतना फिर से हो सके। तो इस बात को हमको
ध्यान रखना होगा। तो हम देखेंगे कि इंडियन बायोडायवर्सिटी क्या है, भारतीय जैव विविधता क्या है, भारत में जैव विविधता कैसे है। देखिए यहां आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगा, एक लेक्चर ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है जिसमें हम इंडियन लैंडस्केप के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय भूदृश्य कैसा है, किन किन चीजों से बना है। तो देखिए वही चीज है कि इकोलॉजिकल हैबिटेट जो है वो फॉरेस्ट से बनते हैं, जंगल से बनते हैं, ग्रासलैंड से बनते हैं, जो तमाम चारागाह हैं वो सब हैं, वेटलैंड से बनते हैं, कोस्टल इकोसिस्टम से बनते हैं, समुद्री तटीय इलाकों से, मरीन इकोसिस्टम से बनते हैं, समुद्र के बहुत अंदर डेजर्ट इकोसिस्टम से बनते हैं, रेगिस्तानों से बनते हैं। तो जैसे वही चीज देखिए कि यहाँ पर हम वही चीज कह रहे हैं, उन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं, वन के बारे में बात कर रहे हैं, घास के बारे में बात कर रहे हैं, मैदान के बारे में बात कर रहे हैं, दलदली क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तटीय समुद्री तथा मरुस्थल इन चीजों के बारे में बात। तो देखिए ऐसा है कि भारत को 10 अलग अलग जो है जियोग्राफिकल डिवीजन या जियोग्राफिकल जोन्स में बांट दिया गया। जब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इंडियन बायोडायवर्सिटी के बारे में बताइए, भारत में जैव विविधता को डिस्क्राइब करिए, तो ये जो 10 पॉइंट हैं ये आप लिखेंगे कि हम इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। और इसका कुछ एक हिस्सा इंडियन लैंडस्केप वाला एक अलग से भी लेक्चर बनाया गया, भारत का भूदृश्य, उसमें भी आप देख सकते हैं उस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए। तो देखिए आप इसको डिस्क्राइब करेंगे कि ट्रांस हिमालयाज क्या है, हिमालय में बायोडायवर्सिटी कैसे है, किस तरह के पहाड़ जीव जंतु वहां रह रहे हैं, इंडियन डेजर्ट, क्योंकि देखिए चाहे कोई एरिया रेगिस्तान हो लेकिन बहुत से ऐसे जो है रिसोर्सेज हैं जो आपको रेगिस्तान से मिलते हैं, कोई सेमी एरिड रीजन है, वेस्टर्न घाट से आप ले लीजिए, या फिर आप डेकन पेनिनसुला से ले लीजिए, गैंजेटिक प्लेन से ले लीजिए, गंगा दोएब जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ले लीजिए, जैसे मैं आपको शुरुआत नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में बता रहा था, आइलैंड्स ले लीजिए, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान हो गया, दमन एंड दीव का भी कुछ हिस्सा वहां पर आइलैंड एरिया में आता है, कोस्ट ले लीजिए, समुद्री तटीय किनारे ले लीजिए। तो जैसे जैसे आप मान लीजिए ये भारत का नक्शा है, ठीक है ठीक है, ये भारत का नक्शा हो गया। तो ये जो दक्कन है, दक्कन के जो पठार हैं, जो डेकन एरिया है, ये जो पठार है इनका, इस एरिया में आप जाएंगे ना तो जो है पहाड़ नहीं होते हैं, छोटे ऊंचे ऊंचे जो टीले टाइप के रहते हैं, कुछ उस टाइप के, तो उसको पठार वाले एरिया हैं वो सब हैं। और ये जो पश्चिमी घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, इसका अपना अलग इंपॉर्टेंस है, द्वीप समूह जो यहाँ पर अंडमान निकोबार है, जो चीज़ मैं अभी समझा रहा था, लक्षद्वीप वाला एरिया यहाँ, फिर तटीय क्षेत्र पूरा यहाँ से लेके गुजरात का पूरा तटीय क्षेत्र, फिर यहाँ पर आपको रेगिस्तान मिलेगा, यहाँ पर आपको भारत में हिमालयन माउंटेन्स मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट एरिया मिलेगा। तो इसीलिए भारत की जैव विविधता पर हम चर्चा करते हैं और भारत की जैव विविधता को हम समझते हैं। लेकिन लेकिन समय के साथ शोषण मनुष्य की एक प्रवृत्ति है। आप देखेंगे इंसान रिसोर्स पर, कोई भी खनिज है, कोई भी रिवर रिसोर्स है, कोई भी लैंड रिसोर्स है, कोई भी फॉरेस्ट रिसोर्स है, तो उन सब का शोषण करना मनुष्य एक आदत भी बना लिया है, उसका इस तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मेरा मतलब है कि उतना इस्तेमाल करें कि भविष्य की जरूरतों का ख्याल रखते हुए जो है आज के परिपेक्ष में, आज के आवश्यकताओं के अनुसार चीजों का इस्तेमाल करें, ऐसा ना करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी ना बचे। तो उस चीज को आप देखने के लिए यहां हमें मिलता है एक बिश्नोई कम्युनिटी है राजस्थान में, इसके बारे में हम इसमें समझेंगे, फिर हम महिला मंडल के बारे में समझेंगे, फिर हम और जो है ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे लोगों को समझेंगे। इनको क्यों समझेंगे? क्योंकि जो पर्यावरण का शोषण है, जो बायोडायवर्सिटी का शोषण है, जो जैव विविधता का जो शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है, उसको ये लोग किस तरह रोकने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह ये लोग लोगों का ध्यान ला रहे हैं कि पृथ्वी को इस तरह यूज करें या इस तरह रिसोर्सेस का इस्तेमाल करें कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए और आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को उसका नुकसान न उठाना पड़े। तो इसमें सबसे पहले आते हैं बिश्नोई कम्युनिटी के लोग राजस्थान के। ये आपने सलमान खान वाला जो चिंकारा को मारने वाला सलमान खान का जो केस है वो आप देखेंगे, ये वही कम्युनिटी है जो बिश्नोई कम्युनिटी है, जो चिंकारा को अपने बच्चे की तरह पालते हैं ये लोग, ठीक है, उसका ख्याल करते हैं। वहां पर एक अलग तरह का पेड़ होता है, खेजरी का पेड़ होता है, उसका ये लोग ख्याल रखते हैं।
कहने का मतलब है कि इन्होंने जंगल को अपना घर समझा, इन्होंने जंगल को अपना जो 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 भी नेचर इनको ऑफर कर रहा है, जो भी पर्यावरण इनको दे रहा है, इन्होंने ये माना कि ये उनकी जीवन का एक हिस्सा है, और जैसे वो जी रहे हैं, वो इंसान है, वैसे ये भी जी रहे हैं, और जैसे हम अपने आप को प्रोटेक्शन देते हैं, सुरक्षा करते हैं, वैसे इनको भी प्रोटेक्शन और सुरक्षा की जरूरत है। तो राजस्थान के उस इलाके में इस कम्युनिटी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो उसका आप एग्जाम्पल देंगे कि पीपल्स इनिशिएटिव क्या क्या रहे हैं। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे कम्युनिटीज या बहुत सारे लोग देश के अलग अलग हिस्से में काम कर रहे हैं, लेकिन विशेष करके आप इन लोगों के बारे में बताएंगे जो आपके सिलेबस में, जो आपके बुक में दिया हुआ है। फिर महिला मंडल्स हैं, उन्होंने जो है फॉरेस्ट जो है करसोग में जो है करसोग फॉरेस्ट को जो प्रोटेक्शन किया है, ठीक है, वहां एक अलग तरह का आप ये कह सकते हो। सर कहाँ पर, देखिए ये कहाँ पर महिला मंडल कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में एक जिला है मंडी, इसका नाम है, ठीक है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर आईआईटी मंडी भी है, ठीक है। तो वहां पर मंडी डिस्ट्रिक्ट में, आई मीन जो आईआईटी मैंने बोला है वो पास में ही है वहां पर, तो वहां जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो है महिला मंडल्स जो है, आप देखेंगे कि आपको जो है एक अलग तरह का, जैसे वो है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे बिश्नोई वाले लोग हैं, वहां पर ऐसे महिला मंडल्स हैं। फिर आपको सब एक और देखने के लिए मिलेगा नौदान ने, तो नौदान ने जो है वो ग्रास रूट लोग हैं जो इन सिटू कंजर्वेशन पर काम कर रहे हैं। देखिए, सिटू कंजर्वेशन पर काम कर रहे हैं जेनेटिक रिसोर्सेस को लेके। तो जेनेटिक रिसोर्सेस क्या, जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो इन सिटू कंजर्वेशन होता है, ठीक है, एक तरह का जो है अनुवांशिक संसाधनों पर, मतलब जो है उस तरह कंजर्वेशन के बारे में, उस तरह कंजर्वेशन टेक्निक्स को वो नौदान में के जो लोग हैं वो उसको उठा रहे हैं। अब देखिए, यहां मैं आपको क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूं, इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन को मैंने अलग से समझाया है कि वो एग्जैक्टली है क्या। तो देखिए, हम आते हैं सीधा एक्स सिटू और इन सिटू कंजर्वेशन पर। देखिए, ये एक टेक्निक है पर्यावरण प्रोटेक्शन का, बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन का। देखिए एग्जैक्ट वर्ड यूज करेंगे, बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, जैव जैव जीवन जो है, जैव विविधता जो है, उसके प्रोटेक्शन के लिए दो टेक्निक है जो बहुत कॉमनली आजकल प्रैक्टिस किया जा रहा है बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए, एक एक्स सीटू, दूसरा इन सीटू। देखिए एक्स सीटू में क्या होता है कि ये है एक ऐसा एरिया, मान लीजिए एक्स सीटू में क्या होता है, ये है एक ऐसा एरिया, ठीक है, यहां पर मान लीजिए ये एक ऐसा एरिया है जहां पर चीता जो है टाइगर नहीं जिंदा रह सकता है, ठीक है, मान लीजिए एक ऐसा पर्यावरण का ऐसा इन्वायरमेंट है कि यहां पर टाइगर नहीं जिंदा रह सकता, लेकिन टाइगर जहां पर जिंदा रह रहा है, किसी एक जंगल है, मान लीजिए टाइगर जहां जिंदा रह सकता है, वहां टाइगर की जान को बहुत खतरा है, वहां जंगल छोटा हो गया है, शहरीकरण बढ़ गया है, वहां टाइगर को मार दिया जाएगा मान लीजिए। तो अब उस टाइगर को हम लेके जाएं कहां, तो हम क्या करते हैं, एक नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं किसी एक अलग क्षेत्र में, एकदम वैसा सा ही, एकदम आर्टिफिशियल ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे जैसा यहां पर होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे आप घर वगैरह में देखते हैं एक्वेरियम लगा रहता है, तो होता क्या है कि जैसा समुद्र में एनवायरनमेंट होता है कि पानी में मछली रह रही है, खा रही है, तो आप देखते हैं एक्वेरियम में हम बाहर से सारा वैसा ही एनवायरनमेंट अपने घर में, जैसा जो लोग एक्वेरियम लगाए रहते हैं उसी हिसाब से लाइट जलता है, उसी हिसाब से उसमें खाने का आइटम डालते हैं, नहीं डालेंगे तो मछली मर जाएगी। तो एक्वेरियम एक तरह से कह सकते हैं कि शॉर्ट में, छोटे के स्तर पर कह सकते हैं कि एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि जैसे मान लीजिए उसमें जो मछली रह रही है उसका नेचुरल हैबिटेट तो समुद्र में है ना, उसका जो जो उसका ओरिजिनल घर है वो तो समुद्र में है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्वेरियम में ला रहे हैं, तो एक तरह से वो एक्स सीटू कंजर्वेशन का आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ समझ सकते हैं। तो उसी प्रकार जब हम टाइगर को यहाँ पर लाएंगे तो एक बाहर से पूरा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देते हैं उसके जीने के लिए, करने के लिए, एक्स सीटू कंजर्वेशन टेक्निक में यही होता है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। अब इसमें देखिए एक प्रॉब्लम ये आती है कभी कभार, आप इसीलिए सुनने में न्यूज में आता है कि वो टाइगर को एक्स सीटू कंजर्वेशन में वहां ले गया गया, या किसी भी अन्य और जानवर जीव जंतु किसी को भी ले गया गया, तो वो जाके वहां उसकी डेथ हो गई या मर गया। तो क्यों मर जाता है, क्योंकि होता क्या है ना, कभी कभी ये इन्वायरमेंट एकदम सुटेबल नहीं बैठ पाया यहाँ के इन्वायरमेंट के लिए, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए एक्स सूटी कंजर्वेशन मेथड रेफर्स टू कंजर्वेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन एरियाज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, कहीं और से लाके कहीं और पर रखते हैं। और ये हम किस तरह से करते हैं, आप जगह जगह देखेंगे जूलॉजिकल पार्क है, बोटानिकल गार्डन है,
वो सब क्या है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड एनवायरमेंट्स है जो हम बाहर से लाते हैं, रिसर्च सेंटर्स है, इन विट्रो स्टोरेज है, सीड बैंक्स है, ठीक है, बीज वगैरह कभी हम प्रोडक्शन करते हैं, तो उन सब चीजों की कंजर्वेशन आप एक्स सी टू में देखेंगे। और ये आपको देखने के लिए एक्स सी टू कंजर्वेशन में डायरेक्ट मिलेगा, क्योंकि आप सबने अपने अगल बगल आप देखे होंगे कि जय और वनस्पति उद्यान जैसे होते हैं, बोटानिकल गार्डन जिसको कहते हैं, वनस्पति उद्यान, वो सब आपको देखने के लिए मिलता है। तो वहां पर यही सब चीजें होती है। हम बाहर से जाते हैं, हम पेड़ वेड़ देखते हैं, जंगल सा होता है, एग्जैक्टली हमें समझ में नहीं आता है कि उसमें होता क्या है, लेकिन वो गवर्नमेंट एडेड और काफी ह्यूमन प्रोटेक्शन के अंदर उनको रखकर वहां जीव जंतुओं को जिंदा रख के उस पर काम किया करवाया जाता है। तो अब सवाल है कि इन सीटू कंजर्वेशन क्या है। देखिए, इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि मान लीजिए किसी एरिया में, फिर से हम टाइगर का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए किसी एरिया में टाइगर ले रहे हैं, मान लीजिए हम मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, वहां कोई फॉरेस्ट, मान लीजिए कोई नेशनल पार्क हो जिसमें टाइगर जो है आज मान लीजिए प्रोटेक्टेड हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो एरिया टाइगर का था और हमने और आप, हम क्या कर रहे हैं, एनक्रोच करते जा रहे हैं, उनके एरिया को छोटा करते जा रहे हैं, जंगल काटते जा रहे हैं, शहरीकरण करते जा रहे हैं और उनका घर ले जा रहे हैं, अंत में मान लीजिए सिर्फ इतना ही बचा उनके लिए, ठीक है। अब यहां पर अलग अलग संगठन, जैसा कि मैं शुरुआत में बता रहा था, बिश्नोई है या कोई और संगठन है जो अलग अलग इनके प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, सरकार का बहुत ज्यादा टेंशन इधर लाते हैं, इंटरनेशनल संगठन लाते हैं, तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने कह दिया भैया इतना एरिया प्रोटेक्टेड रहेगा, इसके अंदर हम किसी को घुसने नहीं देंगे और कोई कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, जो यहाँ जिंदा है उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, फॉरेस्ट विभाग रहेगा, फॉरेस्ट गार्ड्स रहेंगे, पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा और इसके अंदर उनको एक नेचुरल एनवायरमेंट में रखा जाएगा। तो यहां देखिए एक खास बात देखने को ये मिल रही है कि इसको उठा के इधर से इधर नहीं लाया जा रहा है, वो वहीं पर है, उसको हम वहीं पर प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो इस तरह के किसी भी कंजर्वेशन में, इस तरह के किसी भी बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में, इस तरह किसी भी जैव विविधता के कंजर्वेशन को हम इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। तो जैसे कि हम उनको उनके ही प्राकृतिक परिवेश में संरक्षण देते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा, जैसे मान लीजिए मैं बार बार टाइगर के एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ही हीटेड एग्जाम्पल है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पे बहुत ज्यादा जो है लॉज और वो देता रहता है बार बार। तो देखेंगे कि जैसे मान लीजिए वो लुप्त होते जा रहे हैं, तो उनका एक नेचुरल एरिया है ना, तो वहां जो नेचुरल एरिया में प्रोटेक्शन दिया जाता है उसको हम इन सीटू कंजर्वेशन करते हैं। और वो किस तरह किया जाता है, जैसे नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सेंचुरी है, और फिर रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, संरक्षित एवं सुरक्षित वन है, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, फिर नेचुरल रिजर्व्स हैं, तो इनको वहां प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें एंट्री कई बार रिस्ट्रिक्ट भी की जाती है, ठीक है, कई बार होता है कि एरियाज में आपको पता चलेगा कि आपको जो है एंट्री ठीक से नहीं मिल रही है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको वहां देखने के लिए मिलेगा एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी, कि बायोडायवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन हमारे लिए, और क्यों जो है जैव विविधता का संरक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आपको पॉइंट फॉर्म में नहीं मिलेगा कहीं पर भी, एज यूजुअल मैं अपने लेक्चर्स में चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। तो मैंने क्या किया है, एग्जाम्स में आप अच्छे से अच्छा नंबर पा सके और बात को बहुत ही तरीके से लिख सके, इसलिए मैंने क्या किया कि पूरे टॉपिक को ही पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी है क्या। देखिए, आप सबसे पहले ये हेडिंग्स लिखेंगे और डिस्क्राइब आप खुद से करेंगे, ठीक है, मैं यहां समझा दे रहा हूं, डिस्क्राइब आपको लिखेंगे खुद से हेडिंग्स के बारे में। देखिए, मेंटेनेंस ऑफ फूड चेन, ठीक है, जो फूड चेन की प्रक्रिया है, फूड चेन क्या, फूड चेन जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि घास है, घास को ग्रास होपर खाता है, ग्रास होपर को जो है लिजर्ड खा लिया, छिपकली ने खा लिया, छिपकली को सांप खा लेता है, ठीक है, सांप को गिद्ध खा लेता है, तो इस तरह क्या है, एक फूड चेन बना हुआ है। तो डायवर्सिटी इसलिए भी जरूरत है क्योंकि मान लीजिए ग्रासलैंड एरिया जहां पर इंसान नहीं रहते हैं, तो वहां पर अगर एनिमल्स जो भी मान लीजिए गाय भैंस वो चरने नहीं जाएंगी, कुछ करने नहीं जाएंगी, तो वो एरिया पूरा एकदम उसका जो लैंडस्केप है वो नेचुरली चेंज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो फूड चेन की अपनी अलग आवश्यकता है, तो बायोडायवर्सिटी के लिए फूड चेन बहुत जरूरी है। फिर कंजम्पटिव यूजेस, खाने पीने की जरूरतों के लिए हम इसको यूज करते हैं बायोडायवर्सिटी को। उदाहरण के तौर पर जब हम पेड़ पौधों की बात करते हैं, जब हम जानवरों की बात करते हैं, तो क्या जानवर और पेड़ पौधे से हमारा खाना नहीं आता है? बिल्कुल आता है, अंडे आते हैं, दूध आता है, तमाम जंगल के संसाधन आते हैं, लकड़ियां आती हैं, घर में आपके गेट बने हुए हैं, लकड़ियों के खिड़कियां बनी हुई हैं,
आप तेल लाते हैं, दवा लाते हैं, अलग अलग प्लांट्स को लाते हैं, यूज करते हैं घर में अलग अलग कामों के लिए, फल को लाते हैं, सब्जी लाते हैं, दाल लाते हैं, ग्रेन्स लाते हैं और तमाम चीजें और चीजें लाते हैं, तो वो क्या है, कंजम्पशन के लिए। अब देखिए ये तो डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि भाई कंजम्पशन के लिए बायोडायवर्सिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और चीज होता है नॉन कंजम्पटिव यूज, ठीक है, एक ऐसा यूज जो आप डायरेक्ट नहीं यूज कर रहे हैं लेकिन आप उस यूज का हिस्सा हैं। उदाहरण के तौर पर आप एक उदाहरण लेंगे, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, पानी है, रेगुलेशन ऑफ वाटर, आखिरकार जो पॉन्ड्स हैं, लेक्स में पानी होता है, किसी पोखरे में कहीं पर पानी है, तो वो पानी भी तो किसी तरह स्वयं से प्यूरिफाई होता है, वहां एक नेचुरल साइकिल है, इवापोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, पर्यावरण होता है, मौसम होता है, कार्बन फिक्सेशन होता है, कितना कार्बन कंटेंट है एटमोसफियर में क्या है, तो वो सब नॉन कंजम्पटिव यूज हैं जो बायोडायवर्सिटी जो है हमें प्रदान करता है या हमको एक नेचुरल एनवायरमेंट देता है जीने के लिए। मेडिसिन, मेडिसिन तो आप सबको पता है कि डेवलपिंग कंट्री में जो भी विकासशील देश हैं, जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह का मेडिसिन आप देखेंगे हिंदुस्तान में आपको अक्सर देखने के लिए मिलेगा, आप गांव वाले एरिया में चले जाइए तो देखेंगे कि लोग जो है तमाम छोटी छोटी बीमारियों के लिए घास फूस का इस्तेमाल करते हैं, खांसी है तो अदरक का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी का बाल टूट रहा है तो प्याज के रस का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ अलग अलग तरीकों का हम इस्तेमाल करते हैं आपको देखने को मिल जाएगा। जानवर हैं तो उनके लिए, उनको अलग बीमारी तो उनको अलग तरह का चारा ला के खिला रहे हैं, तो ये एक नेचुरल मेडिसिन है। लेकिन एक चीज और देखिए, अब तो ये हाल हो गया है कि जो पश्चिम देश हैं, जो वेस्टर्न नेशंस हैं, वो भी एलोपैथिक मेडिसिन के लिए हमारे हिमालयन माउंटेन से, इंडिया का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्यों डेवलप्ड है बहुत ज्यादा, क्योंकि भारत के मेडिसिन, भारत की दवाओं का विश्व में डिमांड है। एलोपैथिक मेडिसिन में उन बायोडायवर्सिटी नेचुरल प्लांट्स को हम हिमालय से जो है तमाम जो है हिमालय से जो हम तमाम जो है जो औषधियां लाते हैं हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर एक बायोडायवर्सिटी का एक बहुत बड़ा जो रोल है, सफिशियंट फूड, बढ़ती आबादी के साथ, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पॉपुलेशन के साथ हमारे लिए ये बायोडायवर्सिटी बहुत मदद करता है। किस लिए, क्योंकि प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ गया है, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं उसी बायोडायवर्सिटी का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह से भू की, जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ा रहे हैं और रिसोर्स प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, तो बायोडायवर्सिटी फूड ग्रेन फूड सस्टेनेंस पे हमें बहुत बड़ा सपोर्ट देता है। ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, कोई भी एमए हिस्ट्री का बच्चा, कोई भी हिस्ट्री का बच्चा उस लिंक को ज्वाइन कर सकता है। जब भी चैनल पे कोई हिस्ट्री का लेक्चर आएगा तो आपको उस ग्रुप में मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा। और गाइज अब आप डेली बैच का असाइनमेंट भी परचेज कर सकते हैं। असाइनमेंट परचेज करने के लिए आपको सेम चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और असाइनमेंट परचेज करने के रिगार्डिंग आपको बताना पड़ेगा। और आप सबको पता होगा कि यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बनने के लिए, लेक्चरर बनने के लिए, या आप PhD करना चाहते हैं, MA के बाद कुछ करना चाहते हैं, तो उन सब के जो भी अलग अलग ऑप्शन हैं, नेट JRF पास करना जरूरी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो कैसे करें। अब आप डेली बाइट्स को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डेली बाइट्स का लिंक इंस्टाग्राम का दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप देख सकते हैं, वहां से भी आप चैनल के अपडेट्स टाइम टू टाइम ले सकते हैं। ओके गाइस, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, सब्सक्राइब डेली बाइट्स, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड एंड डू कॉमेंट योर व्यूज। आप सबके कॉमेंट्स में देखते रहता हूँ, आवश्यकता अनुसार टाइम टाइम हम रिप्लाई करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।